I'm your computer teacher Archana and let's get start now. Your today is class 3 lecture 2. इससे पहले हमने lecture 1 किया था जिसमें introduction हुआ था, basic बताया गया था computer के बारे में. अभी हम chapter को start नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ introduction और basic चीजें की बात करें जो आपने 1 और 2 class में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. उससे थोड़ा सा large मैं उसमें से बता रही हूँ, जो आपने 2 class में पढ़ा था उसी से थोड़ा सा और large था कि आपका एक revision हो जाए, revise हो जाए कि आपने क्या पहले पढ़ा था बेसिक. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन. लेक्चर 1 में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और हमने उसके आईपीओ साइकिल के बारे में बात किया था. आज हम कंप्यूटर के लिमिटेशन और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लिमिट फीचर्स और लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन और फीचर्स इन कंप्यूटर के लिमिटेशन और फीचर्स के बारे में कि उसकी क्या विशेषता होती है, क्या उसकी लिमिटेशन होती है कि सिर्फ उतना ही वो काम कर सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, इन्हीं पर आज हम डिस्कस करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, या ये कह सकते हैं कि इसका बेसिक जो चीज है कि कंप्यूटर के बारे में कि अभी तक हम सब सोच रहे थे कि बिजली से चलने वाली मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वंडरफुल है ये, लेकिन कुछ इसके भी लिमिटेशन है. जिस तरह से हम ह्यूमंस के अंदर सभी के अंदर लिमिटेशन होता है, लिमिट होता है कि इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता, सबको सेम वर्क कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होता है. तो हम आज स्टार्ट करते हैं. बी केयरफुली यू लुक एट दिस ऑन योर बोर्ड कि मैं यहां पे ग्राफ तैयार करूंगी, आप उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, उसे लर्न करेंगे और मुझे मेरे फोन नंबर पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है आप मुझे उसे सेंड करके दिखाएंगे कि आपने कितना काम किया. जो मिस्टेक्स होंगी मैं आपको उस पे बता दिया करूंगी. ओके नाउ कंप्यूटर के फीचर्स, उसकी क्या विशेषता होती है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा तेज चलता है, बहुत ज्यादा ही उसकी स्पीड है. तो हमारा फर्स्ट है स्पीड. कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है, बिजली से चलने वाला मशीन होता है और इसकी ये फर्स्ट जो विशेषता या फीचर्स कह सकते हैं कि इसके अंदर स्पीड सबसे ज्यादा होती है. घंटों का काम, काफी देर का काम हम उसे मिनटों में खत्म कर सकते हैं. आपने कोई एक फोटो खींचा जो बाहर साइबर कैफे में लिखा हुआ रहता है ना कि आपको 44 स्नैप्स चाहिए, 40 पिक्स चाहिए, मिनटों में आपको दे दिया जाएगा. ये किस तरह कहते हैं कि वो कैमरे से खींच के उसे कंप्यूटर से अपलोड करते हैं, स्कैन करते हैं और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं. और नहीं अदरवाइज पहले क्या होता था, फोटो खींचा आपका नेगेटिव तैयार होगा, उसकी धुलाई होगी, फिनिशिंग होगा, कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक हफ्ता या 15 दिन 10 दिन के बाद आपको वो इवन आफ्टर 15 एंड 10 डेज के बाद आपको वो फोटो निकाल कर देता था. उसके बाद भी नहीं पता चलता था कि फोटो अच्छी आई है या नहीं आई, बट अभी इट्स प्रेजेंट टाइम में वो जब फोटो खींचते हैं तभी पता चल जाता है कि आपकी आंखें बंद है या खुली है, या कोई बैकग्राउंड अच्छा आया है या नहीं आया. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड, इसमें बताया जाता है Reliable.
जाए, डाई भी अलग हो जाए, ये इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर स्टोरेज की क्षमता ज्यादा होना चाहिए। अगर हम कोई रूम बनाते हैं तो हमारा अलमीरा इस साइड हो, टीवी यहाँ पे लगे, ये इस तरह से कई सारी चीजों का रखने वाला सामान ये कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज आता है और ये हैंग भी नहीं करता है, स्टोर करके रखा रहता है। जब आप उसे ओपन करें आपको आपका डेटा फाइनली मिल जाता है। डिलीजियंस लास्ट डिलीजियंस है, डिलीजियंस यानी कि परिश्रम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ह्यूमंस में एक थिंग होता है कि हम लिविंग थिंग है, बट कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है और इस वजह से ये ना कभी टायर्ड होता है ना बोर होता है। तो इसमें परिश्रम की क्षमता ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा वर्कआउट कर सकता है, डिलीजियंस है। और ह्यूमंस क्या होता है, थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, अब हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। बट कंप्यूटर पर आप डेटा टाइप करते रहो, कोई सॉन्ग चला रहे हो, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको एक घंटे तक सॉन्ग ही गाते रहना है, डांस ही करते रहना है, डेटा ही टाइप यानी कि क्वेश्चन पेपर या कुछ भी व्हाटएवर, आपको ये काम लगातार करते रहना, तो नहीं कर पाएगा। बट कंप्यूटर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा परिश्रम करने की क्षमता होती है और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है। आपसे ये भी नहीं कहेगा कि मैं बोर आ रहा हूं, मुझे खाना लगे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसलिए इसे सिर्फ बिजली मिलनी चाहिए और ये काफी देर तक काम कर सकता है। आपने कोई डेटा स्टोर करना है, आपने करके छोड़ दिया, ये काम अपने आप करता जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी फीचर्स के बारे में बात किया, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबल, मल्टीपर्पज, वर्सेटाइल, स्टोरेज एंड डिलीजियंस। अब हमारा सेकंड आ रहा है कि लिमिटेशन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है या दूसरे कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इसके अंदर ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता है। अ कंप्यूटर इज अ डंब मशीन, यानी कि ये एक डंब मशीन भी है। ये एक डंब मशीन इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये बिना ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक डंब मशीन है क्योंकि ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, इसके लिए एक यूजर की जरूरत होती है तभी ये कोई काम करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। दूसरा है हमारा किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए यूजर की जरूरत रहेगी जिसे नीड्स इंस्ट्रक्शन। क्वालिटी इसके अंदर
अंदर इक्वालिटी नहीं है। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया है, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये आप डायग्राम बना लेंगे कॉपी में, आपको होमवर्क है, और ये पूरा का पूरा ग्राफ आप इसे कॉपी में आज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे। और हाँ, एक बात और, आपका जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, जो ना समझ में आता हो, मुझे मेरे फोन नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी जो आपको ना समझ में आए। नेक्स्ट टाइम